हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीवी आर्मामेंट टेक्नो में। तो आज की स्टूडियो में हम देखेंगे बुलेट्स यानी बंदूक की गोलियों के बारे में। बंदूक की गोलियां, बुलेट्स, कार्ट्रिज, राउंड्स, ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है इन्हें। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे उन गोलियों के इतिहास के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बंदूक की गोलियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि बंदूक का है। तो उसमें लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक आयरन बॉल्स या फिर हम जिन्हें मैचलॉक मस्केट बॉल्स कहते थे, इस तरीके की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता था। फिर फ्रांसीसी सेना के एक कप्तान जिसका नाम क्लाडे मिनी था, उसने 1847 में मिनी बॉल नामक गोलियां डिज़ाइन की। उसके बाद 1855 में ब्रिटिश आर्मी ने भी अपनी इनफील्ड राइफल के लिए इन मिनी बॉल्स का इस्तेमाल शुरू किया। इसके बाद बंदूक की गोलियों के इतिहास में अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन 1882 में हुआ। एडवर्ड रूबिन, जो स्विस सेना प्रयोगशाला के निर्देशक थे, उन्होंने एक तांबे की गोली का आविष्कार किया जो कि आकार में एक लंबी गोली थी। इस गोली के अंदर धोए रहित पाउडर को बारूद के रूप में अपनाया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत तक इस गोली के कई और आधुनिक डिजाइन विकसित हो गए। इन गोलियों की वजह से युद्ध की घातकता और अधिक बढ़ गई थी। तो इस प्रकार था गोलियों का इतिहास। आगे हम जानेंगे आधुनिक गोलियों के बारे में। आज के जमाने की गोलियों के तीन मेन टाइप्स है। पहला है रिम फायर। इस गोली का बेस पूरा फ्लैट होता है और इसमें बंदूक की फायरिंग पिन ऊपर की तरफ हिट होती है। बुलेट का दूसरा टाइप है सेंटर फायर। इसमें बुलेट बेस के सेंटर में एक प्राइमर लगा होता है और बंदूक की फायरिंग पिन प्राइमर पे हिट होती है। तीसरा टाइप है शॉर्ट सेल। ये गोली बाकी गोलियों से अलग और बड़ी होती है। इसका इस्तेमाल शॉर्ट गन्स में किया जाता है। तो अब देखते हैं कोई भी बुलेट वर्क कैसे करती है। बंदूक की गोली जो होती है वो बनती है बेसिकली चार कंपोनेंट से, जो कुछ इस तरीके से होते हैं। पहले आता है ये बुलेट का शेल यानी उसका कवर, उसके बाद आता है उसका प्राइमर, फिर आता है गन पाउडर। गन पाउडर यानी जो बारूद होता है गोली को, जो ब्लास्ट होने के बाद गोली को अपने टारगेट की ओर भेजता है। उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल। बेसिकली प्रोजेक्टाइल ही हमारा गोली होता है, पर इस पूरे कंपोनेंट को मिला के हम एक बुलेट या कार्ट्रिज कह सकते हैं। अभी बुलेट के साथ बंदूक के बैरल में क्या होता है, बैरल यानी बंदूक की नली, तो ये होता है हमारा बैरल। तो गोली के साथ अंदर होता क्या है, फिर उसके बाद आता है ये फायरिंग पिन। गोली के प्राइमर से हिट होता है, उससे प्राइमर से एक स्पार्क जनरेट होता है और गोली के अंदर का गन पाउडर जलता है, उससे धमाका क्रिएट होता है जो हमारे प्रोजेक्टाइल यानी गोली को काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे भेजता है, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।